संस्कृत दिवस संवलिते श्रावणी पूर्णिमान्विते च अस्मिन् सप्ताहे वार्तावल्याः नवीनमेकम् अंकम् आदाय उपस्थिताः वयम् संस्कृतानुरागिणां भवतां मनोविनोदनाय। अहम् अस्मि सत्यप्रिया। अहम् छात्र सुनील जोशी। संस्कृत दिवस प्रसंगे भवद्भ्यः दर्शकेभ्यः शुभाशयं व्याहरामि। सुनील, पूर्वकालापेक्षया साम्प्रतं तु संस्कृतं अधिकतरं लोकप्रियतं लक्ष्यते। इदानीं तु नैकवारं मम मित्राण्यपि संस्कृतेनैव परस्परं सम्भाषन्ते। सत्यमेव इदं, मित्रैः सह संस्कृतसंवादः रोचको भवति। वस्तुतश्च मित्राणि एव कस्मिन्नपि जने वस्तुनि घटनायां वा रुचिम् अभिवर्धयन्ति। अस्मदीयम् अद्यतनं सुभाषितं मित्रस्यैव गुणगौरवं विशदीकरोति। अहितात् प्रतिषेधश्च हिते चानुप्रवर्तनं व्यसने चापरित्यागस् त्रिविधं मित्रलक्षणम्। अहित से दूर रखना, हित की ओर प्रवृत्त करना तथा विपत्ति में साथ न छोड़ना, ये मित्र के तीन लक्षण कहे जाते हैं। Three qualities characterize a friend: one who keeps you away from troubles, leads you to something better, and stands by you in a crisis. हिता हितकृते अवधानमेव मित्रलक्षणम्। अवधानं च आवश्यकम् अस्ति दैनन्दिन जीवने सम्पद्यमान घटनानां कृते। इमाः घटनाः एव जगति वार्ता रूपं आपद्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्ततितमे स्वातंत्र दिवसावसरे रक्त दुर्ग प्राचीरात् तृतीयं वारं राष्ट्रं सम्बोधितवान्। स्वयं प्रति कृतज्ञतां प्रदर्शयितुं बलूचिस्तान गिलगिटयोः पाकिस्तानाधिगृहित कश्मीरस्य च नागरिकेभ्यः श्रीमोदिना धन्यवादः व्याहृतः। संस्कृत दिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट सन्देशद्वारा संस्कृताध्येत्री जनाः संस्कृतानुरागिणः अनुसन्धातारः संस्कृत स्वयंसेविनश्च भूरिशः प्रधापिताः। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकर वर्येण दिल्ल्यां राष्ट्रिय संग्रहालये संस्कृत सप्ताह समारोहस्य शुभारम्भ प्रसंगे डॉक्टर चन्द्रगुप्त श्रीधर वर्णेकरः प्रोफेसर वी महादेवन डॉक्टर धवल कुमार पटेलश्च विशिष्ट सेवा सम्मानेन सभाजिताः। अवसरे अस्मिन् तेन वार्तावली कार्यक्रमः भूरिशः प्रशंसितः। संस्कृत पढ़ना एक अपने आप आनंद का विषय है और मैं तो दिन की शुरुआत 6:55 पे दूरदर्शन पे संस्कृत वार्ता आती है उसी से। जैसे सप्ताह का पूरा वार्ता होनी हो रही है वैसे ही अब हिंदी फिल्मों का अच्छे गाने जो सबको याद है उसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे और ये भी उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ये हो रहा है। दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत दिवसावसरे विशिष्ट कार्यक्रम समायोजित कृष्ण कला केन्द्र से कलाकार ही प्रस्तुत संस्कृत स्त्रोत्र आधृत्य कथक नृत्यम कार्यक्रम से मुख्य आकर्षण अवर्तत। संस्कृत दिवसम उपलक्ष्य छत्तीसगढ़स्य राजधान्यां रायपुरे संस्कृत विद्यामंडल द्वारा एकः कार्यक्रमः अनुष्ठितः। अवसरे अस्मिन् छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्रिणा रमण सिंहेन संस्कृत विद्वांसः मेधाविनः छात्राश्च सभाजिताः। भगवतः अमरनाथस्य छड़ी मुबारक इति पावनी अष्टयात्रा शेषनागम संप्राप्ता। अनेन सहैव जुलाई मासस्य द्वितीय दिवसात् प्रारब्धा अमरनाथ यात्रा श्रावणी पूर्णिमायां पूर्णतां गता। रियो ओलंपिक स्पर्धासु महिलैकल बैडमिंटन स्पर्धायां रजत पदकं विजित्य पीवी सिंधुना इतिहासो विरचितः। राष्ट्रपति प्रधानमंत्रीभ्यां च सा शुभाशंसिता। रियो ओलंपिक स्पर्धासु 58 किलोग्राम भार वर्गीयायां मल्ल क्रीडा स्पर्धायां भारतस्य महिला मल्लः साक्षी मलिका इतिहासं व्यरचत्। मल्ल क्रीडा स्पर्धायां कांस्य पदक विजेत्री असौ प्रथमा महिला संवृत्ता अस्ति। सुनील, व्यतीतोऽयं सप्ताहस्तु संस्कृत दिवस कारणात् अस्मभ्यं विशेष रुचिकरः लक्षितः। संस्कृत भाषायाः एव यशस्को विद्वान् येन भौतिकशास्त्रम् अधीत्य स्वजीवनं सार्थकताम् आपादितम्, अद्य उपस्थितोऽस्ति वार्तावल्याम् अति विशिष्टातिथि रूपेण। गणमान्योऽयम् अतिथिः अस्ति भारतस्य प्राक्तनः मानव संसाधन विकास मन्त्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। भगवती सरस्वती तु अस्य जिह्वाग्रे विराजते।
आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनेता एवं शिक्षाविद, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम वार्तावली में आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर साहब। लंबे सार्वजनिक जीवन के साथ साथ भारत की विरासत एवं संस्कृति के विषय में भी आपने गहन अध्ययन किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारत के गठन में संस्कृत की क्या भूमिका रही है। देखिए, ये जो भारत की बनावट है या भारत का गठन जिसको कहते हैं जी, ये वैदिक काल से ही शुरू हो गया था जी। और वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है, इसलिए भारत और संस्कृत और वेद ये एक प्रकार से अभिन्न है जी। तो इसलिए संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा तो है ही जी, मगर सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा भी है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई विषय ऐसा नहीं है संसार का जो संस्कृत में उपलब्ध न हो जी। दूसरी बात यह है कि उसका साहित्य, उसका संगीत, लोगों को अक्सर ये नहीं पता होता कि संस्कृत में संगीत कितना है। वैसे तो संस्कृत स्वयं ही संगीतमय है, लेकिन इसके अलावा संगीत शास्त्र जी, उसका भी उद्गम संस्कृत में ही है जी। अभिनय की जितनी भी कलाएं हो सकती हैं वो सब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आपको मिलेंगी जी। तो ये मैंने इसलिए कहा कि इसे लोग कहते हैं ना कि समसामयिक क्या चीज़ है संस्कृत में, बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें समसामयिक। अब मनोविज्ञान जी, संस्कृत में मनोविज्ञान पर बहुत अनुशीलन है, बहुत विस्तार से वर्णन है, और मनोविज्ञान के संबंध में शायद संस्कृत के अलावा और किसी भाषा में ये नहीं मिलेगा आपको कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी जिसको व्याप कहते हैं वो क्या है जी। आखिर अभी तक जो चिकित्सा शास्त्र के लोग हैं वो साइकोलॉजिकल डिजीजेस जिनको वो कहते हैं मनोवैज्ञानिक बीमारियां, उनका इलाज नहीं जानते हैं। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मन क्या है इसका पता केवल संस्कृत भाषा में है और किसी भाषा में है नहीं जी। अगर आप कूटनीति कहें तो उसके बारे में भी विचार है, अर्थनीति कहें तो उसके बारे में भी विचार है। फिर योग एक ऐसा विज्ञान है कि जो मानव जीवन के लगभग कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें योग साधक न हो जी। और आज तो दुनिया ने उसको स्वीकार किया है, अंगीकार किया है। तो इसलिए आप देखें कोई ऐसा विषय है ही नहीं जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है। लोग कहते हैं विज्ञान, तो विज्ञान भी संस्कृत में साहित्य में आपको बहुत मिलेगा। परमाणु शास्त्र का भी शुरुआत प्रारंभ वहीं से है। आखिर अगर आप वैशेषिक को देखें और कपिल मुनि को देखें, कणाद को देखें, तो वो तो जिसको लोग कहते हैं ना एग्नोस्टिक या अनीश्वरवादी, वो दोनों ही थे। ईश्वर को मानते ही नहीं थे, कोई ईश्वर कर्ता के रूप में कोई ईश्वर है इस ब्रह्मांड के बाहर हमको बनाने वाला कोई ईश्वर है वो ऐसा नहीं मानते थे। अब इससे बड़ी समसामयिकता क्या हो सकती है जो आज बहुत बड़ी संख्या में लोग समझते हैं कि आधुनिक अनुभव है, परंतु वो कब से देखिए, उन्होंने कहा कि ये सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। तो अब ये अच्छा, ऐसा ही पाणिनि का व्याकरण शास्त्र है, और पाणिनि के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि वो हर ध्वनि के विश्लेषण के लिए प्रकृति के में कहाँ कहाँ कैसा हो रहा है उसका अनुसरण करते थे जी। सर्प से कैसे ध्वनि सर्र की निकलती है, तो सर तो हाँ। ये एक सर्प की गति से, पक्षियों की ध्वनि से क्या होता है, और फिर उसी से संगीत में भी आता है कि कोई मेघ मल्हार है तो उसका कैसे मेघ के साथ क्या संबंध है। तो जिसको आप संगीत शास्त्र कहें, ध्वनि शास्त्र कहें, वो सबका सब आपको उसमें मिलेगा। जो भी हिंदी बोलता है वो संस्कृत ही बोलता है, बिल्कुल। जो बांग्ला बोलता है संस्कृत ही बोलता है, उड़िया बोलता है संस्कृत ही बोलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत ने हमें इस देश को माता के रूप में मानने की परंपरा दी, माता भूमि पितरो पृथिव्याः। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि हमारे जो उपनिषद ग्रंथ हैं वो आज की मानव जीवन की जो बहुत सी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र है, ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य स्विद्धनम्।
कि ये समस्त जगत जो है ईश का आवास है, ईश से ओतप्रोत है जी। तो इसमें तेरा क्या कस्य स्वित धनम, ये धन किसका है, इसलिए लालच मत कर और त्याग पूर्वक भोग कर। अब ये बहुत गहरी बात है, यानी आप त्याग पूर्वक भोग करेंगे, भोग तो करना है जी। लेकिन वो त्याग के साथ होना चाहिए। अब यदि आप इस उपनिषद के प्रथम मंत्र का ही ठीक ढंग से अर्थ समझ लें तो बहुत सी समस्याओं का निवारण हो जाए। अरे जब ये ब्रह्मांड ईश का ही निवास है तो इसके ब्रह्मांड के प्रत्येक अंश में, प्रत्येक अंग में ईश्वर का ही निवास है। तो ये जितने भी आपको यहाँ के प्राकृतिक साधन मिलते हैं उनमें भी ईश्वर का ही निवास है, और जो ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जल वायु ये भी तो ईश का ही निवास है। तो आप इनका भी त्यागपूर्वक भोग करें, अर्थात इसको अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखते हुए फिर उसका उपभोग करो। मैं विज्ञान मंत्री था तो ये अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस थी जी। तो उसमें मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, हम जो भारतवासी हैं वो इस ये जो आप सारे अंतरिक्ष में कूड़ा करकट फैला रहे हैं इसके समर्थक नहीं है। जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी में शांति, तो इतनी महान कल्पनाएं और इस प्रकार से विश्व से संवाद एक प्रकार से संस्कृत ने किया है। प्रायः लोग कहते हैं कि अंग्रेजी हमें विश्व से जोड़ती है, आजकल तो ये कहा जाता है, तो मैं कहता हूँ संस्कृत हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है, ये आत्मा का परमात्मा से संयोग करती है। बिल्कुल, हमारे जितने भी घोष वाक्य हैं, योगक्षेम अभाम में हम LIC बोलती है जी, अंतरिक्ष वाला कुछ और बोलता है, अहर्निश सेवा महे वो बोलता है, अहर्निशम सेवा महे, तो ये क्या है, ये संस्कृत से ही आता है। तो इसका अर्थ है कि वो सब जगह गई हुई है, स्वीकार है, पर लोग कहते हैं कि खाली कर्मकांड तक स्वीकार है, उसके आगे स्वीकार नहीं है, वो गलत बात है। संस्कृत जीवन के हर क्षेत्र में अपना महत्व रखती है और रखती रहेगी, बिल्कुल, और आप उसे नष्ट नहीं कर सकते। दर्शकाः, संवादस्य अस्य अवशिष्टो भागः आगामी अंके प्रसारिष्यते। संस्कृत भाषायाम् अध्ययनं बहुविध शास्त्राणाम् अध्ययनाय, वैज्ञानिक विषयाणां च अनुसंधानाय अपि सहायकं सिद्ध्यति। अतः एव अध्येतव्या इयं भाषा सर्वैः, नेयं जटिला न च कठिना। संस्कृत शिक्षणाय प्रतीक्षन्ते दर्शकाः। नमस्कारः, वार्तावल्याः संस्कृत शिक्षण क्रमे अद्य पुनः भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आदो पुनरावृत्ति, अहं पश्यामि, वयं पश्यामः, भवान् पश्यति, भवती अत्र आगच्छतु, भवती, भवान् पश्यति, भवन्तः पश्यन्ति, भवान् दूरदर्शनं पश्यति, भवन्तः दूरदर्शनं पश्यन्ति, अहं दूरदर्शनं पश्यामि, वयं दूरदर्शनं पश्यामः, भवती दूरदर्शनं पश्यति, भवत्यः दूरदर्शनं पश्यन्ति, भो दर्शका, भवन्तः अपि वदन्तु, भवन्तः किं पश्यन्ति? अहं वार्तावलीं पश्यामि, वयं वार्तावलीं पश्यामः, वदन्तु भवन्तः किं पश्यन्ति? विदेशीपर्यटकः भारतदेशं पश्यति, विदेशीपर्यटकः मम देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः अस्माकं देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः केषां देशं पश्यति, विदेशी दर्शकः अस्माकं देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः मम देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः कस्य देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः मम देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः भवतः देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः कस्य देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः भवतां देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः केषां देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः अस्माकं देशं पश्यति, गच्छतु, भवती अत्र आगच्छतु, विदेशी पर्यटकः भवत्याः देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः कस्याः देशं पश्यति, विदेशी पर्यटकः मम देशं पश्यति,
समीचीनम, बहु समीचीनम। विदेशी पर्यटक भवतीनां देशं पश्यति। विदेशी पर्यटक कासां देशं पश्यति? विदेशी पर्यटक अस्माकं देशं पश्यति। अत्र आगच्छतु, भवती अत्र आगच्छतु, तिष्ठतु, भवती अत्र आगच्छतु। एता छात्रः, एता छात्रः, एषा छात्रा, अहं छात्राया शिक्षकः, अहं छात्राणां शिक्षकः, अहं कासां शिक्षकः? साधु समीचीनं, गच्छन्तु, अत्र आगच्छतु, भवान् अत्र आगच्छतु, भवानपि अत्र आगच्छतु। एषः छात्रः, अहं छात्रस्य शिक्षकः, अहं छात्राणां शिक्षकः, अहं केषां शिक्षकः? बहु समीचीनं, गच्छन्तु। भो दर्शकः, भवन्तः वार्तावल्यः दर्शकः, भवन्तः वार्तावलीनां दर्शकः, भवन्तः कासां दर्शकः? वयं वार्तावलीनां दर्शकः। बहु समीचीनम्। अधुना अहं चित्रं दर्शयामि। काकस्य वर्णः कृष्णः, काकानां वर्णः कृष्णः, केषां वर्णः कृष्णः? काकानां वर्णः कृष्णः। कन्दुकस्य वर्णः रक्तः, कन्दुकानां वर्णः रक्तः, केषां वर्णः रक्तः? कन्दुकानां वर्णः रक्तः। बहु सम्यक्। अधुना दर्शयामि, भवन्तः बहुवचने वदन्तु। देशस्य देशानां, दर्शकस्य दर्शकानां, मत्याः मतीनां, लतायाः लतानां, वार्तावल्यः वार्तावलीनां, गुरोः गुरूणां, गुरोः गुरूणां, भवतः भवताम्, भवत्याः भवतीनां, मम अस्माकं, साधो साधूनां, साधो दर्शनं पुण्यं, साधूनां दर्शनं पुण्यम्। सम्प्रति एकं गीतं। संस्कृतस्य दिवसः, संस्कृतस्य दिवसः, संस्कृतस्य दिवसः, संस्कृतस्य दिवसः, रक्षाया बन्धनं संस्कृतस्य दिवसः, रक्षाया बन्धनं संस्कृतस्य दिवसः, श्रावण्याः पूर्णिमा संस्कृतस्य दिवसः, श्रावण्याः पूर्णिमा संस्कृतस्य दिवसः, विद्यायाः आरम्भः संस्कृतस्य दिवसः, विद्यायाः आरम्भः संस्कृतस्य दिवसः, सान्निध्यं गुरोश्च संस्कृतस्य दिवसः, सान्निध्यं गुरोश्च संस्कृतस्य दिवसः, ऋषीणां तर्पणं संस्कृतस्य दिवसः, ऋषीणां तर्पणं संस्कृतस्य दिवसः, मुनीनां संस्मृतिः संस्कृतस्य दिवसः, मुनीनां संस्मृतिः संस्कृतस्य दिवसः, देववाण्याः दिनं संस्कृतस्य दिवसः, देववाण्याः दिनं संस्कृतस्य दिवसः, संस्कृतेः जागृतिः संस्कृतस्य दिवसः, संस्कृतेः जागृतिः संस्कृतस्य दिवसः, संस्कृतस्य दिवसः संस्कृतस्य दिवसः, संस्कृतस्य दिवसः संस्कृतस्य दिवसः। सम्प्रति सम्पन्नेयं कक्षा। आगामी सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः। तावत् पर्यन्तं नमस्कारः। नमस्कारः। अस्मिन् सप्ताहे अस्मदीय गुरुणा षष्ठी विभक्तिः शिक्षितास्ति। मम वार्तावली। दर्शकाः, भवतां वार्तावली। नहीं नहीं, अस्माकं वार्तावली। अपि च अस्माकं स्पर्धागीतं। किं स्मार्यते स्पर्धागीतं? अद्य तु निर्णयः घोषणीयः। आम्, स्मारयामि। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। अस्य गीतस्य अनुवादकेषु अद्य विजय श्रियम् अधिगच्छति। गुरुग्रामात् डॉक्टर चौधरी रामनागपालः। भारत नीन प्राणभ्य प्रियतरम्, पुष्पोद्यानं रम्यं रम्यतमम्। भारत नीन प्राणभ्य प्रियतरम्, पुष्पोद्यानं रम्यं रम्यतमम्। शुचिराति भारत भूमि भुवन गौरवम्,
भारत मातृरक्षायै जीवन बलिदानं भारत हीन प्राणव्य प्रियतरम् पुष्पोद्यानं रम्यं रम्यतमम् सुनील रक्षाबन्धनस्य पर्व अचिरमेव सम्पन्नम् विपणिषु रक्षासूत्राणां विपुलं वैविध्यम् अवेक्ष्य मोहासक्ताः आसन् सर्वाः अपि भगिन्यः मोहासक्तिस्तु नारीवर्गस्य वैशिष्ट्यम् आम् अस्मदीयं नूतनस्पर्धागीतमपि मोहख्यापकम् एव ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊंझे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊंझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर है सुलझे है रोम रोम एक तारा अस्य गीतस्य गेयतानुकूलः मौलिकानुवादः भवद्भिः अगस्त मासस्य 31 दिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः स्पर्धानिर्णयश्च तदनन्तरं सेप्टेम्बर मासे तृतीये दिनाङ्के घोषयिष्यते दर्शकाः संस्कृतसंवलितः उत्सवकालः प्रवर्तते साम्प्रतम् संस्कृतवाङ्मयस्य अस्मदीय संस्कृतेश्च ललामभूतस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य प्राकट्यपर्व आसन्नमस्ति अस्य उपकल्पनैः इतर रोचकवृत्तैश्च सज्जीकृतां वार्तावलीम् आदाय पुनरागमिष्यामः आगामि सप्ताहे तावदवधि प्रतीक्षन्तां भवन्तः सर्वे इदानीं संस्कृतदिवसम् अभिलक्ष्य पुनरेकवारं भवताम् अभिनन्दनपूर्वकं प्रयामो वयम् शुभं मङ्गलं चास्तु नमो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् भारतीय नाम अस्मदीयम् प्रियतम देश अस्मदीय भारतीय नाम अस्मदीयम् प्रियतम देश अस्मदीय जन्मभूमिरस्मदीय सगर्वं वदाम सर्वे खलु स्वभ्रातर सुप्रीत्या निवसाम भारतीय नाम अस्मदीयम् प्रियतम देश अस्मदीया